वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अमर सिंह का नाम सुनकर अखिलेश यादव की भौहें तन जाती हैं, कभी वही अमर सिंह अखिलेश की सारी जिम्मेदारियां उठाया करते थे। राजनीति में व्यस्त रहने की वजह से खुद नेताजी ने अमर सिंह के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली थी। एक मीडिया इंटरव्यू में अमर सिंह अखिलेश यादव के स्टूडेंट लाइफ का जिक्र करते हुए बताया था कि जब अखिलेश यादव का ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हुआ तो वह अखिलेश को अपने साथ लेकर सिडनी गए। अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का एडमिशन कराने के बाद उनके लिए पहले रहने का स्थान खोजा गया, उसके बाद घर के तमाम जरूरी सामान खरीदने वे अखिलेश के साथ सिडनी के बाजार में निकले थे। अमर सिंह कहते थे कि चाहे अखिलेश इसे माने या न माने, लेकिन अखिलेश यादव को उन्होंने अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया था। अखिलेश यादव साल 1996 में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सिडनी गए थे। अमर सिंह का कहना था कि मुलायम सिंह की व्यस्तता के चलते घर परिवार का कोई भी सदस्य अखिलेश के साथ नहीं जा पाया था। वो खुद अखिलेश के साथ सिडनी गए और उनके लिए तमाम इंतजाम करके वापस लौटे। अमर सिंह ने दावा किया कि उन्होंने अखिलेश यादव और डिंपल यादव की शादी के दौरान भी मुलायम सिंह को राजी करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक जमाने में समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता रहे अमर सिंह को मुलायम सिंह के सबसे करीबी लोगों में एक कहा जाता था। अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में ना होने के बावजूद मुलायम ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित कर दिया था। जब पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो मुलायम ने कहा कि अमर सिंह हमारे दल में भले ना हों, लेकिन हमारे दिल में हैं। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी के डिसीजन मेकर्स के रूप में जाना जाता था। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए 1 के दौरान जब न्यूक्लियर डील के मसले पर मनमोहन सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई और वाम दलों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया, तो अमर सिंह ने ही समाजवादी पार्टी से समर्थन दिलाकर मनमोहन सिंह की तत्कालीन सरकार को बचा लिया था। कहा जाता है कि अमर सिंह ने ऐसा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कहने पर किया था, जिन्होंने न्यूक्लियर डील के मसौदे पर मनमोहन सिंह को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था। अमर सिंह के कहने पर ही मुलायम सिंह ने यह बयान दिया था कि जो लोग न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहे हैं उन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बात पर विचार करना चाहिए और डील का समर्थन करना चाहिए। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।